जो क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 है उन दोनों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जो बच्चे कनेक्ट नहीं हुए फटाफट कनेक्ट हो जाएं, क्लास स्टार्ट कर दें। तो बेटा इसमें क्या है देखो, एज्यूम एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू पी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। हमारे पास पांच मैट्रिक्स थी, कल भी हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, कल जो एक्सप्लेन किया था वो देख रहे थे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और टी, ये आपके पास फाइव मैट्रिक्स थी। हमें क्या करना था इसमें, सबके ऑर्डर दिए हैं, अगर सभी के ऑर्डर दे रखे हैं आपको, x का ऑर्डर था 2 × n, x का ऑर्डर था 2 × n, y का ऑर्डर था 3 × k, इसका था 2 × p, और नेक्स्ट है आपके पास टू इंटू पी के बाद था n इंटू पी, और नेक्स्ट आपके पास p इंटू के। ये आपके पास पांच मैट्रिक्स थी, पांचों का ऑर्डर दिया हुआ था। अब हमें इसमें क्या करना था, ये क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसमें बोला है बेटा आपसे कि पी वाई इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस डब्लू वाई। ये आपके पास डिफाइंड है। तो बेटा देखो, अगर ये डिफाइंड है तो हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान देना, जो लिखा हुआ है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये दोनों डिफाइंड है। आपको पता होगा कोई भी दो मैट्रिक्स का अगर हम सम निकालते हैं, मान लो कि एक ये मैट्रिक्स और एक ये है, तो जो इसका ऑर्डर है वही ऑर्डर किसका आएगा, इसका आएगा, क्योंकि अगर हम कोई भी दो मैट्रिक्स का सम निकालते हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। तो हम यहां से सबसे पहले पी वाई का ऑर्डर निकालते हैं, तो पी वाई का ऑर्डर निकालेंगे तो ध्यान दो बेटा, P है आपके पास, P का ऑर्डर कितना है और Y का कितना है, तो P Y का क्या आएगा ये हम निकालते हैं। तो बेटा P का जो ऑर्डर है वो है आपके पास स्मॉल p इंटू स्मॉल k, Y का ऑर्डर आपके पास 3 × k। ध्यान देना बेटा, अच्छे समझना, इस P का ऑर्डर है P मैट्रिक्स का स्मॉल p इंटू k, कैपिटल वाई का ऑर्डर है 3 × k। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई की जो कंडीशन हमने रखी थी वो कंडीशन ये थी कि ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब हमारे पास एक रिजल्ट आ गया k इज इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू क्या आ गया 3 आ गया। k की वैल्यू 3 होगी तभी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये आपके पास मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और जो पी वाई का ऑर्डर आएगा वो आएगा पी इंटू के, ये पी वाई का ऑर्डर आ गया। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट आ गए। अब दूसरी चीज क्या है बेटा, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू वाई की बात करें तो सबसे पहले डब्ल्यू देखते हैं, फिर वाई देखते हैं, और फिर डब्ल्यू वाई देखते हैं। डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है ध्यान देना बेटा, जो W है इसका ऑर्डर है n इंटू थ्री, W का ऑर्डर है n इंटू थ्री, और Y का जो ऑर्डर है वो है 3 × k। तो आपके पास जो डब्ल्यू वाई है इसका ऑर्डर आएगा n इंटू के। यहां तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बराबर होने चाहिए, इक्वल है ऑलरेडी। तो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर आएगा एन इंटू के, वो भी आ गया। अब देखो, अगर दो मैट्रिक्स ऐड होती है तो पी वाई का ऑर्डर तो आपके पास आया स्मॉल पी इंटू स्मॉल के, और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर आया स्मॉल एन इंटू स्मॉल के। इसका मतलब क्या हुआ कि दो मैट्रिक्स का सम जब हम करते हैं तो
जब हम सम करेंगे तो सम का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये सेम होगा तो इसका मतलब सेकंड वाला के तो इक्वल है आपस में, तो कौन बच गया, तो यहां से हम कह सकते हैं p इक्वल्स टू n। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गए 21 के, n की वैल्यू p के इक्वल आ गई और k इसके इक्वल आ गया 3 के। बेटा स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो फटाफट। आप नोट करके रिप्लाई करें, हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपने नोट नहीं किया हो। ट्वेंटी टू है आपके पास, ये सब चीजें 21 के लिए थी, ओके कंप्लीट। अब जो 22 है वो देखते हैं बेटा, इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z, n इज इक्वल टू p दे रखा है पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 22, इफ n इक्वल टू p, हमें फाइंड करना है ऑर्डर। ऑर्डर किसका फाइंड करना है, 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z। यहां से जो रिजल्ट आएगा इसका हमें फाइंड करना है ऑर्डर। ऑर्डर क्या आएगा देखो बेटा, एक मैट्रिक्स है 7x और 5z, n और p इक्वल दे रखे हैं, तो 7x का ऑर्डर, x का जो ऑर्डर होगा वही 7x का होगा, x का है 2 इंटू n, तो 7x का क्या आएगा, इसका भी यही आएगा 2 इंटू n। ध्यान देना बेटा, किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप किसी नंबर से या कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डर सेम ही रहेगा। दूसरी बात, अगर हम 5z की बात करें तो जो z का ऑर्डर होगा वही 5z का होगा। तो z का ऑर्डर क्या है बेटा, देखो z का ऑर्डर है 2 into p, इसका भी कितना आएगा 2 into p। अब आपको बताया मैंने कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर एड या सब्ट्रैक्ट होती है तो सिंपल सी बात है कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो 7x जो लिखा हुआ है, इस 7x का ऑर्डर है आपके पास 2 into n, और जो 5z है इसका ऑर्डर है 2 into p। तो ये कब पॉसिबल है बताओ बेटा, जब n और p आपस में इक्वल हो। तो ये पॉसिबल है जब n और p आपस में इक्वल हो। अगर n और p आपस में इक्वल है तो या तो आप n की जगह p रख लो या p की जगह n रख लो, बात तो एक ही है। दोनों में कोई भी रख लो, दोनों में कोई भी रखेंगे तो यहां से जो आपका ऑर्डर आएगा वो या तो 2 into n आ जाएगा या 2 into p आ जाएगा, क्योंकि n और p तो आपस में इक्वल ही है। आ गया बेटा समझ में सबको, फटाफट नोट कर लो, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान रखना इसमें 2 पहले रहेगा, ऐसा मत करना मतलब n into 2 कर दो, n सॉरी p into 2 कर दो, 2 पहले रहेगा, n और p वाला पार्ट बाद में रहेगा। फटाफट इसको नोट कर लो, किसी को डाउट हो तो आप मैसेज करके इन्फॉर्म करो। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 21-22 कर लिया है, अब हम वापस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 मैं इस पर कर सकता हूं, आप लोगों ने अगर नोट कर लिया हो तो फटाफट इन्फॉर्म करें, हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाते हैं। ठीक है,
18 है आपके पास बेटा, 18 में जो दे रखा है आपके पास, ए गिवन है, ए में जो एलिमेंट है वो 0 है, -10 अल्फा बाई 2 है, फिर है 10 अल्फा बाई 2 और 0, ये आपके पास ए, एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, आई है आपके पास 1 0 0 1, ये हो गया आई। इसके बाद इसमें क्या दे रखा है बेटा, सो दैट जो हमें प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है वो पार्ट क्या है, मैं उसको इधर लिख देता हूँ थोड़ी देर में, जब इसको लिख जाएगा, जो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट आई प्लस ए इज इक्वल्स टू आई माइनस ए, आई माइनस ए फाइंड करने के बाद हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दो चीजें हैं। देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या करना है, हमें ये सब प्रूव करना है, ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, आपको आ गया है जिन बच्चों को बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया है वो समझ लो, जिनको आ गया है वो भी एक बार समझ लो, अच्छा रहेगा, ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, देखो अरुण कुमार, ठीक है बेटा आपको आ गया, बहुत अच्छी बात है, अब चेक करना मैं सही कर पाऊँ नहीं कर पा, अरुण कुमार बेटा चेक तो कर लोगे, कोई अपने वीडियो चालू रखना सारे बच्चे। देखो इसमें दे रखा है हमें क्या, ए की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है, और आगे जो प्रूव करना है उसमें ए और आई यही दोनों यूज कर रखे हैं, तो हम सबसे पहले निकालते हैं इसमें एलएचएस पार्ट, सबसे पहले जब हम एलएचएस पार्ट फाइंड करेंगे, एलएचएस पार्ट आपका क्या आएगा, एलएचएस पार्ट है आई प्लस ए, आई प्लस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान दो बेटा ये आई रहा आपके पास, ये ए रहा, आई प्लस ए जब हम फाइंड करेंगे तो ये पार्ट इसमें ऐड होंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट में ऐड होगा, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट में ऐड होगा, तो 1 प्लस 0 तो ये आपके पास 1 ही आएगा, और 0 भी ऐड होगा तो ये आ गया -10 अल्फा बाय 2। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से 10 अल्फा बाय 2 और 0 ऐड होगा तो ये ऐसे कैसे रहेगा, तो ये आ गया आपका 10 अल्फा बाय 2 प्लस 0 ऐसे कैसे, और 0 प्लस 1 आपका आ गया 1। बेटा ये आरएचएस पार्ट आ गया, आरएचएस पार्ट जब हम फाइंड करेंगे, आरएचएस पार्ट में हमसे बोला है कि पहले आई माइनस ए फाइंड करो, फिर उसको दिए हुए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। तो बेटा देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आरएचएस पार्ट में, ये आपका एलएचएस पार्ट था, अब हम आरएचएस पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, आरएचएस पार्ट में हम सबसे पहले फाइंड करना है आई माइनस ए, आई माइनस ए फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, देखो बेटा आई माइनस ए जब आप फाइंड करोगे, आई ये रहा आपके पास और ए ये रहा, पहले आई रखना है बाद में ए रखना है, आई में से ए माइनस करना है जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस माइनस होते हैं, 1 में से 0 माइनस करोगे 1 ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बेटा 1 आ गया। इसके बाद में 0 में से जब आप इसको माइनस करोगे, 1 माइनस तो पहले से ऑलरेडी है और 1 ये वाला माइनस, ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स के बीच में लगा, तो ये हो गया आपके पास प्लस 10 अल्फा बाय 2। इसके बाद में हम 0 में से माइनस करेंगे 10 अल्फा बाय 2 को, तो यहां से आपके पास आएगा माइनस 10 अल्फा बाय 2 एंड 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास आरएचएस का एक छोटा सा पार्ट आ गया है। अब हमें आरएचएस कंप्लीट फाइंड करने के लिए
इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किससे मल्टीप्लाई करना है हमें इसको, इस वाले पार्ट से। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक पार्ट आपके पास आई माइनस ए वाला जो ये लिखा हुआ है, तो जो आरएचएस है कंप्लीट वो आपका क्या आएगा, आरएचएस वन टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास इस पूरे का आंसर यही आ रहा चीज जो एलएचएस में है, जो एलएचएस में आंसर आया था वही आरएचएस में आना चाहिए। अब हम बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा वो देखो, आपको बोर्ड में नीचे तक दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर 2 इनटू 2 और सेकंड वाले का भी 2 इनटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। तो जब 1 है cos अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो cos अल्फा ही आएगा, और tan अल्फा by 2 sin अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया आपके पास tan अल्फा by 2 and sin अल्फा। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू एंड कॉस अल्फा। यहां तक आगे आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे बढ़ेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस टेन अल्फा बाई टू, फिर आपके पास कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। यहां तक आ गया होगा, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस होगा, तो ये आ गया आपके पास tan अल्फा बाई टू साइन अल्फा। नेक्स्ट आपके पास 1 इनटू cos अल्फा इट मींस cos अल्फा, ऐसे कैसे, ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद वाला टर्म। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा ये वाला पार्ट, ये कैसे मिलेगा ये अब हम निकालेंगे। देखो बेटा यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। किसी बच्चे को कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार इन्फॉर्म कर सकते हो आप लोग। इसको भी अप कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में जो रिजल्ट आया है वो इसके इक्वल लेकर आना है, तो हम लास्ट वाले रिजल्ट को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा ध्यान से, यहां जो लिखा हुआ है ध्यान देना बेटा, यहां जो लिखा हुआ है ये और ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है या नहीं है, दोनों पार्ट आपस में सेम है क्यों, देखो बेटा इसमें इसमें लिखा है cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, यही चीज तो इसमें लिखी है नीचे, दोनों में सेम ही लिखा है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, जो इसमें लिखा है वही उसमें लिखा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं एक पार्ट को सोल्व करूं तो दूसरा पार्ट वही रिजल्ट आएगा जो पहले वाले में आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बेटा फर्स्ट वाला पार्ट जो दे रखा है cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाई टू साइन अल्फा, अब ये हमें लेके आना है 1 के इक्वल, तभी तो आप दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बोलोगे। अगर दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल आएंगे तभी तो आप दोनों को इक्वल बोलोगे। तो देखो बेटा कैसे बोलेंगे दोनों इक्वल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें मैं इस पार्ट को सोल्व कर रहा हूं बस अभी केवल, cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाई टू एंड sin अल्फा,
इस पार्ट को सॉल्व करो तो दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे, दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे ना बेटा। देखो कैसे करेंगे इसको, अगर हम एक cos अल्फा ऐसे कैसे प्लस tan अल्फा by 2 आपका हो गया sin अल्फा by 2 अपॉन cos अल्फा by 2, ऐसा आपको पता है फॉर्मूला होता है tan is equals to sin by cos, tan is equals to क्या होता है sin upon cos, वो मैंने यूज किया एंगल हाफ छोड़ दिया sin अल्फा by 2 cos अल्फा by 2 और sin अल्फा की जगह हमने रख दिया 2 sin अल्फा by 2 cos अल्फा by 2। किसी बच्चे को किसी फॉर्मूले में दिक्कत हो जो मैंने अप्लाई किया है तो आप बता दें, मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बेटा, यहां हमने जो रिजल्ट लिखा है ये जो sin अल्फा है इसका रिजल्ट लिखा है मैंने ये, और tan अल्फा by 2 को लिखा है sin अल्फा by 2 cos अल्फा by 2। अगर आपको फॉर्मूले में प्रॉब्लम है मैं यहां बता देता हूं, मेंशन कर देता हूं इसमें, यहां से sin 2 अल्फा इज इक्वल्स टू होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा, यहां तक आपको दिख रहा है sin 2 अल्फा इज इक्वल्स टू होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो बेटा जब हम एंगल हाफ करेंगे दोनों तरफ, जब हम एंगल हाफ करेंगे दोनों तरफ तो ये sin अल्फा हो जाएगा एंगल हाफ करते ही, और ये अल्फा by 2 और अल्फा by 2 हो जाएगा, ऐसे ये वाला आ जाएगा। यहां से आपके पास cos अल्फा by 2 cos अल्फा by 2 से कट गया, अब जो बचेगा आपके पास वो बच गया बेटा cos अल्फा plus 2 sin स्क्वायर अल्फा by 2, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी। जितने फॉर्मूले यूज होते हैं मैं सारे आपको बता रहा हूं सर। cos अल्फा by आ गया, तो देखो cos अल्फा plus 2 sin स्क्वायर अल्फा by 2, अब हमें तो आंसर 1 लेके आना है, 1 लेके आना है तो हमें पता है, दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूं cos 2 अल्फा is equals to 1 minus 2 sin स्क्वायर अल्फा, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। अगर हम इस फॉर्मूले में एंगल हाफ कर देंगे, इस फॉर्मूले में एंगल हाफ करोगे ये वाला एंगल, ये हाफ कर दोगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, आप फॉर्मूले 2 लगा देंगे तो हाफ करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा, इसकी वैल्यू जो आएगी cos अल्फा की 1 minus 2 sin स्क्वायर अल्फा by 2, और पहले से लिखा है 2 sin स्क्वायर अल्फा by 2, और इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लेना, यहीं से कैंसिल होगा, आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। अब हम ये आराम से बोल सकते हैं इसका रिजल्ट 1 आएगा और इसका रिजल्ट भी कितना आएगा 1। तो हमारे पास ये दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, अब बचे हुए दोनों पार्ट हम सॉल्व करेंगे, आप जल्दी से इसको नोट कर लो फटाफट, इसको नोट कर लो, फॉर्मूले मेंशन करना जरूरी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सारे बच्चे नोट कर रहे हो, नजर तो है ही नहीं था। नोट कर लिया आपने, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों का नेटवर्क कनेक्ट कंटिन्यू नहीं आ रहा है ना, ये वो जानबूझ के जाते हैं पता ही नहीं। आप लोगों ने कर लिया, इतना आ गया हो समझ में, आगे बढ़ते हो। अब हमें दो पार्ट जो बच गए हैं उनको सॉल्व करना है, आपके पास दोनों पार्ट है, एक तो ये है और एक ये, इन दोनों पार्ट को हमें सॉल्व करना है।
दोनों पार्ट देखो बिल्कुल सेम है, इन दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है क्या कि दोनों के अंदर केवल माइनस का फर्क है, बाकी दोनों पार्ट सेम है बिल्कुल, दोनों में केवल और केवल माइनस का फर्क है। बेटा एड्रेस क्या प्रॉब्लम लिख के भेज दो। यहां जो आपके पास आंसर आएगा वो tan अल्फा बाय 2 आएगा और इससे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस tan अल्फा बाय 2। ये दोनों रिजल्ट आएंगे, दोनों में फर्क क्या है, केवल और केवल माइनस का फर्क है, दोनों में केवल माइनस का फर्क है। अब इनमें तो देखो आपस में किसका फर्क है, ये क्या लिखा है tan अल्फा बाय 2 cos अल्फा, इसमें भी tan अल्फा बाय 2 cos अल्फा, यहां माइनस का है यहां प्लस का है, इसमें sin अल्फा प्लस का है sin अल्फा माइनस का है। सिंपल सी बात है कि अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे आपके पास वही आएगा जो इधर लिखा हुआ है, माइनस कॉमन लेने के बाद उस ब्रैकेट में वही बचेगा जो इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इतना सब बच्चों को क्लियर है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बेटा इसमें आगे अब हम इसमें सॉल्व करते हैं, अब हमें सॉल्व करना है ये वाला पार्ट कर लेते हैं, इसका रिजल्ट हमें ये लेके आना है। तो मैं यहां लिखता हूं माइनस tan अल्फा बाय 2 cos अल्फा प्लस sin अल्फा, हमें इसको सॉल्व करना है। देखो बेटा मैं इसको रख देता हूं, बेटा हमें इसमें आंसर क्या लेके आना है, जो मैंने ऊपर लिखा रेड पेन से इसमें आंसर क्या लेके आना है आपको, इसमें आंसर क्या लाना है tan अल्फा बाय 2, बस यही तो लाना है tan अल्फा बाय 2। मैं क्या करता हूं मेरा जो आंसर है उसको कॉमन ले लेता हूं, tan अल्फा बाय 2 कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट में क्या बच गया माइनस cos अल्फा प्लस sin अल्फा अपॉन tan अल्फा बाय। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अब हमें इस पूरे को सॉल्व करके केवल tan अल्फा बाय 2 लाना था, वो मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब ये हुआ आपने जो ब्रैकेट में आप छोड़ा है वो केवल और केवल 1 आना चाहिए, ब्रैकेट वाला पार्ट 1 आएगा तभी आपका आंसर आएगा। तो ब्रैकेट वाला पार्ट 1 कैसे आएगा देखो बेटा, हम इसमें क्या करते हैं, यहां से हमने क्या किया tan अल्फा बाय 2 को हमने ऐसे कैसे ले लिया, बाहर तो tan अल्फा बाय 2 लिखा है इसको नहीं छेड़ा हमने, माइनस cos अल्फा लिखा है इसको भी लिख लिया, फिर प्लस, अब sin अल्फा को जो पिछला रिजल्ट लिखा था हमने 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 उसी में प्रोग्राम कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 और नीचे आपका tan अल्फा बाय 2 ये sin अल्फा बाय 2 और इसका cos अल्फा बाय 2 ऊपर चला जाएगा। आपको दिख तो रहा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, देखो इसमें मैंने क्या किया माइनस cos अल्फा को ऐसे कैसे लिखा, sin अल्फा को लिखा 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 और नीचे जो tan लिखा है उसको लिखा sin upon cos, नीचे वाला cos चला गया ऊपर। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां से यहां तो आपके पास दिया हुआ है sin से sin कट गया, sin से sin कटने के बाद यहां जो आपके पास आएगा tan अल्फा बाय 2 ऐसे कैसे, इधर बच गया माइनस cos अल्फा, उधर क्या बच गया आपके पास प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय। अब हमें एक फॉर्मूला लगाना है बाकी आपका आंसर आ जाएगा। यहां जो cos अल्फा है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा ये से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 1 उसके बाद माइनस वो क्या हो गया प्लस 1, प्लस 1 tan अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई होके tan अल्फा बाय 2 आ जाएगा। अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो
तो वो बोल सकता है। ठीक है बेटा, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दे। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टाइम कम बचा हुआ है। ठीक है बेटा, आज के लिए केवल इतना ही।